नमस्कार। तो लाए हैं बड़ी खबर आपके लिए। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर रहेगी। तो हिमाचल के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो क्या ये खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 13 से 23 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय ने पिछले कल प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। बता दें, शिक्षण निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विधानसभा के शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहा गया है कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह 8:30 बजे ऑफिस में होना चाहिए। शाम को 5 बजे के बाद भी अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं अतिरिक्त निदेशक प्रशासन कॉलेज स्कूल उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, सह निदेशक उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 13 से 23 दिसंबर तक की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।